ये देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। यहाँ भी हमने लिया है 4 ओरियो बिस्किट, 4 पैकेट। ये हमने छोटा वाला लिया है। अब ये बिस्किट का जो क्रीम है था उसको हम एक एक करके निकाल लेंगे बाउल में। इसी तरह हम सारे बिस्किट की क्रीम निकाल लेंगे। ये देखिए इसको हम अलग रख देंगे। यहाँ हम सारे बिस्किट को मिक्सर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया। अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा सा बीच का वीडियो मिस हो गया है उसके लिए सॉरी। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ चीनी। आप चाहे तो चीनी स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बिस्किट वैसे भी मीठा होता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप चीनी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने 1/2 कप पिसा हुआ चीनी डाला है। और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 छोटा चम्मच। 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक केक टिन लिया है। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर लगाएं, अगर बटर पेपर ना हो तो ऐसे ही घी या तेल लगा के मैदा ऐसे छिड़क के चारों तरफ फैला लें। इससे भी केक हमारा बहुत अच्छी तरह से निकल के बाहर आता है। और हमने इसमें मैदा लगा इसको रेडी कर लिया है। अब इसमें हम केक के बैटर को इसमें डाल देंगे। इसको 2 बार टैप करेंगे ताकि नीचे अगर एयर बबल्स रह गए तो वो अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ पे हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है प्री हीट होने के लिए। यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है। आप कोई सा भी कटोरी प्लेट ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम केक टिन रख देंगे। ऊपर से ढक के 20 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। तब तक के लिए हम केक क्रीम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो केक बिस्किट का जो क्रीम निकाल के रखा था इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी या बटर। तो डाल के हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे हमने इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ चीनी भी डाला था। अब डाल के इसको अच्छी तरह से हम फेंटेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया ना, बिल्कुल क्रीम जैसे बन जाएगा इस तरह से। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हमने एक पॉलिथीन लिया है। आपके पास कोई सा भी पॉलिथीन हो, घर का वेस्ट हो, उसमें आप ऐसे डाल के पाइपिंग बैग बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। अब इसमें हम जो क्रीम बनाए थे उसको हम डाल देंगे। इसी तरह से हम क्रीम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बनके हमारा रेडी हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा केक हमारा पका कि नहीं, इसको खोल के देखेंगे। इसमें आप टूथपिक या चाकू डाल के चेक कर सकते हैं ये हमारा पक चुका है कि नहीं। ये हमारा केक पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी किनारों को हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। केक हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फूला है। ये देखिए इसमें टिन में बिल्कुल भी नहीं लगा है। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम चॉकलेट सिरप निकाल लेंगे।
इसकी अभी इस चॉकलेट सिरप को हम केक के चारों तरफ फैला देंगे अच्छी तरीके से। किनारों पे भी हम अच्छी तरीके से लगा देंगे। किनारों पे भी लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा चॉकलेट सिरप नीचे गिर रहा है उसको हम साफ भी करते रहेंगे। ये देखिए हमने जो क्रीम बनाया था उसको हम एकदम छोटा सा ही उसको कट लगा देंगे उसमें हम। इससे हम डेकोरेट करेंगे इसको हम। ऊपर में हम एक छोटा सा हार्ट बना देंगे। अब इसी कोन में हम एक बड़ा सा कट लगाएंगे कैंची से। ये देखिए वहीं कट कर देंगे। अब हम इसी कोन से हम डिजाइन भी बना देंगे इसी केक पे। ये देखिए ये छोटा छोटा ऐसे ही बूंद बूंद करते हुए आप पूरे केक पे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है। अगर आपने भी कभी केक नहीं बनाया है तो आप भी ऐसे ही केक बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। पहली बार में ही बहुत ही अच्छा केक बना सकते हैं। तो आप भी अपने फादर डे पे इसी तरह से केक जरूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और नीचे पे देखिए हम इस तरह से बॉर्डर भी बना देंगे। देखिए केक कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टूटी फ्रूटी थी, हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था, अब उसको हम इसमें डाल देंगे और केक थोड़ा और भी अच्छा लगने लगेगा। तो ये हमारा केक बनके रेडी हो गया। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।